आइए पहले ये भी जान लेते हैं कि यात्रा की तैयारियां ट्रक ड्राइवर कैसे करते हैं। हमारी जीएसटी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में जिस ट्रक के साथ हम ट्रैवल करेंगे, हमारे साथ ड्राइवर है। चलिए मैं आपको पहले उन ड्राइवर से भी बातचीत करा देता हूँ। आप किस तरफ जा रहे हैं? बम्बई की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? इसरार नाम है हमारा। इसरार। सो आप लोग की पूरी दुनिया एक तरीके से ये है, क्या क्या तैयारी करते हैं? हमारा कमरा यही, रूम सब चीज़ यही है हमारा। अच्छा। खाने पीने का इंतजाम सब चीज़, कपड़ा लत्ता सब इसी में रहता है हमारा। अच्छा, तो कितने दिन का सामान, आप जैसे आप मुंबई जा रहे हैं तो कितने दिन के लिए सामान वगैरह, कौन कौन से सामान होते हैं खाने पीने के? खाने पीने का सामान जो होता है जैसे आटा, गेहूँ, दाल, चावल, ये सब रख लेते हैं इसी में ही। अच्छा, तो आप खाना बना लेते हैं? हाँ, खाना बना लेते हैं इसी में, अपने बना के खाते हैं। तो कैसे, इसमें कैसे बनाते हैं? ये गैस वगैरह से बनाते रहते हैं अपने। अच्छा, तो जहाँ भी मौका मिलता है रुक जाते हैं? कहीं पे 10-5 बिल्ट मिले तो कहीं जगह देख के लगा के अपने बना लेते हैं। अच्छा जी, और कितना दिन लग जाएगा मुंबई तक पहुँचने में? 4 दिन लग जाएगा। 4 दिन? 4 दिन लग जाएंगे। जी बिजनेस ने जीएसटी यात्रा के लिए दिल्ली मुंबई मार्ग को ही इसलिए चुना क्योंकि करीब 1500 किलोमीटर की दूरी वाला NH8 गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट का हिस्सा है और देश के सबसे व्यस्त कमर्शियल राजमार्गों में शुमार है। जीएसटी की हमारी यात्रा में आज पहला दिन है और अभी हम जयपुर से करीब 150 किलोमीटर पहले हैं। हम एक टोल प्लाजा पे हैं और अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं ट्रकों की ये लाइन, आप देख रहे हैं नॉर्मली ये तकरीबन अभी तक 40 से 45 मिनट का टाइम हो गया है जहाँ पे ट्रक लगे हुए हैं और ये इस टोल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है यहाँ पे? पता नहीं सर, ये क्यों जाम लगाते हैं ये। अच्छा, दूसरी चीज़ की आप लोग कैसे पेमेंट करते हैं, कैश में पेमेंट करते हैं, कार्ड? आप तो कैश ही कर रहे हैं सर, एग्जाम से सब परेशान रहते हैं गाड़ी वाले। कितना टाइम लगता है यहाँ पे? 2-3 घंटा लगते हैं। क्यों लग जाते हैं यहाँ पे इतना टाइम? बोले ये छोटा है टोल ये। अच्छा। इसलिए एक मिनट जरा रुकिए, ये क्या है? नेशनल हाईवे का ये टोल प्लाजा तो काफी बदला सा लग रहा है, काफी आधुनिक भी। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। सरकार ने जब से डीमोनेटाइजेशन ड्राइव शुरू किया उसके बाद टोल प्लाजा पे भी पेमेंट के जो फैसिलिटीज हैं उसमें कई तरह की आप बदलाव देख रहे हैं। सिर्फ कैश नहीं है, पेटीएम लगा हुआ है, लोग क्यूआर कोड से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट POS मशीन भी लगी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप अंदर आइए। ये देखिए, एक्चुअली हम ये कह सकते हैं बदलते भारत की तस्वीर है ये। आप टोल प्लाजा पे यहाँ पे आप देखिए, ये मशीन है जिसके जरिए, कार्ड के जरिए भी ड्राइवर यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप ये बताइए कि लोग कार्ड से ड्राइवर्स पेमेंट करते हैं नॉर्मली, तो क्या कुछ दिक्कत आती है, अब आराम से चीज़ें हो जाती हैं? सर हमें दिक्कत नहीं आती है, मेन बात ये है कि कई बार ये मशीन है ना चलने में कई बार नेटवर्क छोड़ जाती है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है और हमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि इसकी वजह से लाइन लंबी हो जाती है, लाइन लग जाती है ये कई बार, मतलब कि क्या है कि ये पर्ची ऐसे काट जाती है, मतलब कि नेटवर्क छोड़ जाते हैं, हम ऐसे करते मतलब नेट इसमें आता ही नहीं है। नेटवर्क एक प्रॉब्लम है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। ये मशीन है, ये मशीन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये मशीन है, ये फास्टैग मशीन है जहाँ पे ऑथेंटिकेटेड पिन जैसे ही वहाँ पे एक्सेस होता है ये अप्रूव हो जाता है और पेमेंट इनके पास आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं हो सकती कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी का रुकना फिर अभी यहाँ पर क्या है कि वो फैसिलिटी हम लोगों ने लागू किया था, लेकिन कुछ ही कारण की वजह से क्या है कि पीछे जब गाड़ियाँ, इसके अंदर से फास्टैग की गाड़ी ही आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बाइक वाले, छोटी कार वाले जबरदस्ती लोकल लोग जो होते हैं घुस जाते हैं इसके अंदर, उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है कई बार। तो उस वजह से क्या है कि मशीनें ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, इसलिए हमने हैंडेड मशीन यहाँ पर अवेलेबल करवाई है कि ट्रैफिक जाम लगे नहीं, फटाफट रीड करें और ट्रैफिक को स्मूथली रन करते रहे हम लोग। नोटबंदी ने कैश के इस्तेमाल को टोल प्लाजा पर भी कम किया है। देखिए हर कोई हाईटेक हो रहा है, लेकिन नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत की वजह से पेमेंट में थोड़ा वक्त लग जाता है। अगर ये दिक्कतें दूर हो जाएं तो माल ढुलाई की परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब शाम हो गई है, टोल नाकों पर ये जाम भी देख लीजिए, जिंदगी मानो ठहर सी गई है, गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। इस वक्त हम जयपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले हैं, एक टोल नाके पे हैं। आप ये ट्रकों की लंबी लाइन देखिए, तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट
कब एक घंटे तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। हम तुगलकाबाद जो ट्रक डिपो है वहाँ से हमने अपनी GST यात्रा की शुरुआत की थी और हम मुंबई तक जा रहे हैं। हमारे साथ जो ट्रक है इसी जाम में फंसा हुआ है और यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन हमें 5 घंटे का वक्त लग चुका है। और आप देख सकते हैं कि अगर इतना वक्त एक ट्रक को एक टोल नाके पे एक एक घंटे का वक्त अगर इंतज़ार करना पड़ रहा है तो ज़ाहिर तौर पे जो ट्रैवल टाइम है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जो सामानों की कॉस्ट है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। अल्टीमेटली सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती है ताकि ट्रक्स को, कमर्शियल व्हीकल्स को इतने लंबे वक्त तक किसी भी टोल नाके पे इंतज़ार ना करना पड़े। शाम अब रात में बदल गई और हम पिंक सिटी जयपुर पहुंच गए हैं। GST यात्रा के पहले दिन के सफर में अब हम पिंक सिटी जयपुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त रात के करीब 9 बजे का वक्त हुआ है। टेम्परेचर कोई 10 से 15 डिग्री के बीच में है, सर्द मौसम है और इस बीच रास्ते की चुनौतियों को रास्ते पर जाकर हमने समझने की कोशिश की। हमने जानने की कोशिश की कि GST आने के बाद सामानों की आवाजाही की इन चुनौतियों को कैसे दूर कर लिया जाएगा और इसका सीधा असर हमारे और आपके घर के बजट पर होगा। इस सफर के पहले दिन का अंत हम यही कर रहे हैं। नमस्कार, GST यात्रा का आज हमारा दूसरा दिन है और दिन की शुरुआत हम जयपुर से कर रहे हैं। इस वक्त सुबह के करीब 8:30 का वक्त हुआ है और आज हम अजमेर के रास्ते उदयपुर की ओर निकलेंगे। GST का जो प्रभाव है वो सामानों की ढुलाई पर कितना होगा, इन विषयों पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लोगों की भी राय लेंगे कि GST के अलावा तमाम दूसरे विषयों पर उनकी क्या राय है। आइए हमारे साथ चलते हैं। आज यात्रा का दूसरा दिन है और हम अब जयपुर से उदयपुर की तरफ निकल रहे हैं। GST यात्रा का आज हमारा दूसरा दिन है और हमारे साथ आज हैं अरशद। अरशद जो गाड़ी लेकर जा रहे हैं, जो ट्रक लेकर जा रहे हैं, वो पुणे तक जा रहे हैं। कितने, अगर आप मानेसर से पुणे तक का ले लें, कितने बार टोल पे आपको रुकना पड़ता है? और जी यहाँ से तो बहुत टोल लगते हैं। तकरीबन वहाँ तक तो बहुत टोल लग जाते हैं हम उनको, तो 50 किलोमीटर पे टूल मिल जाता है, कितनी कम में भी 100 पे भी मिल जाता है। अच्छा, 100 किलोमीटर पे। अच्छा, तो टूल बहुत ज़बरदस्त है। तो एक टूल पे लगभग कितने देर रुकना पड़ जाता है आपको? तो बहुत से टूल ऐसे रहते हैं जाम लगा रहता है, उस पर आधा घंटा लग जाता है। आधे घंटा, उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे रहते हैं 10 मिनट में 5 मिनट में निकल जाते हैं, किसी किसी पे घंटों भर भी रुकना पड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। एक अगर हम आंकड़ों की बात करें, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देश में जो अभी जितने भी टोल प्लाजा हैं उस पर जो एवरेज वेटिंग पीरियड होता है वो तकरीबन 70 मिनट का है और अगर आप डेवलप्ड कंट्री में ग्लोबल वेटिंग पीरियड देखें टोल प्लाजा पे तो तकरीबन 5 मिनट का है। आप इस फ़र्क को समझिए, इस फ़र्क को समझिए कि इसका कितना फ़र्क जो है हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर पे, हमारे सामानों के आवाजाही पे और कितना फ़र्क सामानों की कॉस्टिंग पे पड़ती है। तो एक दिन में कितना घंटे आप लोग चल लेते हैं, कितने किलोमीटर की ट्रैवल आप लोग कर लेते हैं नॉर्मली? एक दिन में हम 300 भी काट देते हैं, 400 भी। अच्छा, 300 से 400 के आसपास। हाँ, आप लोग नॉर्मली काट देते हैं। तो GST के बारे में आप नहीं जानते? नहीं। ओके, तो किसी ने बताया कि GST आने से क्या, मतलब GST के बारे में फ़ायदे नुकसान भी किसी ने बताया आप लोग डिस्कशन? अच्छा, नहीं बताया। GST आने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को जो चुंगी देने होते हैं तो चुंगी के लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक ही जगह भरा जाएगा। अलग अलग राज्यों का जो चुंगी है GST आने के बाद वो एक अलग अलग राज्य में आपको उसके लिए रुकना नहीं पड़ेगा। हालाँकि जो नेशनल हाईवे के जो टोल हैं वहाँ तो फिर भी स्थितियाँ उसी तरह की रहेंगी, लेकिन राज्यों के जो टैक्स है वो एक जगह आपको देना होगा। जैसे अभी क्या होता है कि अभी आपको वो पेपर भरवाते हैं, क्या होता है उसमें दिक्कत सर जी? उधर जैसे सेल टैक्स बुक, हाँ, उस पर बहुत लंबी लाइन लग जाती है। अच्छा, बहती है जैसे
तो यहाँ पास करा ली, उधर दिक्कत करते हैं भाई, उधर पास नहीं हुई वह नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे ही टाइम लगा देते। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्म खुद से भरते हैं या किसी से भरवाते हैं? नहीं, यहाँ तो किसी और से भरवाते हैं। किसी और से भरवाते हैं, वो भी पैसा लेता है? हाँ जी, वो भी। कितना पैसा लेता है? वो जैसे बहती बनेगी तो 100 रुपये लेगा एक बहती का। अच्छा, तो उधर तो 100 रुपये इसको देते हैं पेपर भरवाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, 100 उसको देंगे, जहाँ फार्म फटेगा वहीं देंगे। अच्छा, और उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो फॉर्म अगर उसने सही से नहीं भरा, फॉर्म में कुछ चीज़ छोड़ दिया, तो फिर? फिर वो अगली बॉर्डर पर दिक्कत करते हैं ना। अच्छा, 1000 लगेगा, 2000 लगेगा, ऐसे ड्राइवर से गाड़ने की सोचते हैं। अच्छा, जानबूझकर कुछ लोग मुझे बता रहे थे, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि जिनसे आप ये फॉर्म भरवाते हैं, जो एजेंट होते हैं, हाँ जी, ये जानबूझकर कुछ गलतियाँ छोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बाद में उनको फ़ोन भी कर देते हैं, ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? ऐसे होता है। अच्छा, तो इनकी मिली भगत होती है? हाँ जी, इनकी एक वो रहती है ना, ड्राइवर पैसे पैसा, जैसे भाई अब हमने यहाँ पास करा लिया, आगे जा रहे नहीं, वो बोलेगा 1000 रुपये लगेगा, 1500-2000। अच्छा, तो वो देना पड़ेगा फिर उधर, सेल टैक्स तरफ पड़ेगा। और अगर नहीं दिया तो रोक देंगे गाड़ी? हाँ, गाड़ी रोक देंगे। अच्छा, और यहाँ पे फॉर्म भरवाने में कितना टाइम लग जाता है? यहाँ लग जाता है जी, कहा तो घंटा भी लग जाता है, 2 घंटे भी, जैसे लाइन लगती है बहुत लंबी लंबी। अच्छा, हाँ, बॉर्डर पर बहुत दिक्कत होती है। तो ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारे हम जो GST यात्रा कर रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि GST आने के बाद किस तरह के बदलाव होंगे, लॉजिस्टिक सेक्टर में किस तरह के सुधार होंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा सेक्टर है, जो सिस्टम है, उस तरह उसमें किस तरह के सुधार होंगे, सामानों की जो आवाजाही है उस प्रोसेस में कितना बदलाव होगा। आप अरशद के जरिए सुन रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि GST आने के बाद, क्योंकि वो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर घंटों रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये रास्ते की जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, और इसका काफ़ी फ़ायदा ट्रकर्स को होगा, काफ़ी फ़ायदा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को होगा, और इसमें सामानों की जो आवाजाही है उसमें आसानी होगी। आप देखिए, ये इतनी सारी पर्चियाँ आपने संभाल के रखी हुई हैं। अच्छा, ये सब पर्ची माली को दिखाना पड़ता है? हाँ जी, दिखाना पड़ता है। हम इस बॉर्डर पे निकल गए जैसे, ये सारे फॉर्म हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो फॉर्म आप भरवाते हो, ये देखिए, ये सेल टैक्स का है जी। ये सारे सेल टैक्स वाले फॉर्म हैं जिसको इन्हें भरना पड़ता है, भरवाना पड़ता है ये एजेंट को 400-500 रुपये देकर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और यही वो फॉर्म है जिस फॉर्म में कुछ गलतियां छोड़ देते हैं जानबूझकर एजेंट, फिर वो RTO वाले को फ़ोन कर देते हैं, और फिर इसके बदले में उनसे इनसे कभी कहीं पे 2000, कहीं पे 5000 रुपये इनको देने पड़ते हैं। फिर वे ऐसे भी करते हैं सर, जैसे मैं आपका चक्कर लेकर गया हूँ, उसको जैसे अगले चक्कर की बहती मांगेंगे, वह अगले चक्कर की बहती पास नहीं हुई तेरी, उसको दिखाओ। अच्छा। इसलिए हम इसमें संभाल कर रखते हैं, फिर भी दिखाते हैं तो फिर वे बोलते हैं ये पास नहीं हुई, वह नहीं हुई, इसलिए ये पूरा पेपर वर्क है। हाँ, माना जा रहा है कि GST आने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपको ये फॉर्म, किसी ड्राइवर को ये फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है। और 2 साल से रख रहा था ये, 2 साल से, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 2 साल से रखा है आपने, देखिए इन सारे फॉर्म को अरशद ने 2 साल से संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये आप देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सारे सोल टैक्स अलग अलग बॉर्डर के जो फॉर्म्स हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक, अच्छा MP महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु, जहाँ जहाँ ये ट्रेवल करते हैं उनके सारे फॉर्म ये संभाल के रखते हैं। GST आने के बाद इन फॉर्म्स को संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं बता रहा हूँ। GST आने के बाद कैसे, ये उम्मीद की जा रही है कि जो रास्ते की परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाए। दोपहर का वक्त हो चला है, अब ट्रक ड्राइवर्स का खाने का वक्त है रोड साइड ढाबे पर। GST यात्रा के दूसरे दिन इस वक्त हम किशनगढ़ हाईवे पे हैं, अजमेर के आसपास, और इस वक्त दिन के करीब 1 बजे हैं, खाने का वक्त हो गया है। आप देखिए काफ़ी ट्रक्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ड्राइवर्स यहाँ पे गाड़ियाँ रोकते हैं इस हाईवे पे, फिर खाना खाते हैं, फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दिनचर्या किस तरीके से पूरी होती है, खाने के वक्त किस किस तरह की बातचीत होती है, क्या परेशानियाँ हैं, हम खाने पर भी बातचीत करेंगे, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर GST आने के बाद कितना फ़र्क इनको होगा, इसके बारे में इनकी क्या राय है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम रायबरेली डिस्ट्रिक्ट, मेरा नाम बलवंत सिंह है। हाँ।
सर जो है जयपुर में लाल बत्ती के पास आरटीओ ने मेरे को पकड़ा, जबकि नियमतः हरी बत्ती में हमने क्रॉस किया और मेरे से बोले कि आप लाल बत्ती में क्रॉस किए, आपका लाइसेंस दिखाइए। हमने लाइसेंस दिखाया तो बोले कि आपकी नंबर प्लेट में धूल जमी हुई है, इसके भी पैसे आपको पड़ेंगे 600 रुपये, और जो है अगर किसी को फ़ोन मिलाओगे तो 1200 रुपये उसके आपको पड़ेंगे। जो सेल टैक्स वाला मसला है जिसमें आप लोगों को फॉर्म भरवाया जाता है, घंटा दो घंटा आपको फॉर्म भरने में लगता है, तो उससे कितनी परेशानी होती है? जो बहती होती है ना उसमें होता है दिक्कत, जो ट्रिप शीट बनती है ये नेट की MP की है, UP की है, ये गुजरात की है, उसमें थोड़ा जो फॉल्ट कर देते हैं ना उसमें बड़ी दिक्कत बन जाती है। दिक्कत बन जाती है जी। अच्छा, इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं होती तो इसका इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि एक ही बार सारा कुछ भर दिया जाए चलने से पहले और बीच में आपको ना रोका जाए। इसके अलावा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे GST लागू होएगी, कोई अधिकारी इसको उल्लंघन करता है, बिल्कुल सजा का प्रावधान है उसमें। और आपको जी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम होगा, चीज़ें डिजिटाइज होंगी, एक जगह पे टैक्स अलग अलग जो अलग अलग राज्यों के जो टैक्स होते हैं वो मिलकर एक जगह पे दिए जाएंगे। तो आपके यहाँ पे भी लोग खाने के लिए पहले से भी काफ़ी टाइम से आ रहे होंगे, नोटबंदी से पहले भी, तो क्या फ़र्क हुआ था और अभी किस तरह का सुधार दिख रहा है? अब तो कुछ ही नहीं है, काम बहुत कम है अभी। पहले से कुछ सुधार है? ना पहले ये कुछ नहीं, नहीं जब शुरू हुआ था दिक्कत से यहाँ थोड़ा ठीक है। ठीक है, धीरे 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 चीज़ें नॉर्मल धीरे धीरे होने लग रहा है, होने लग रहा है। अच्छा, तो पेमेंट अभी आप कैश ही लेते हैं या कोई दूसरा? कैश भी आ जाए बाद में, जरूरत नहीं अपने को, अपना प्रेमी आदमी है सभी। अच्छा, खाने वाले तो आप उधार भी दे देते हैं बाद में आकर ये दे लोग देंगे। अच्छा, अच्छा कोई अगर चाहे कि मोबाइल वॉलेट से, ये जो मोबाइल से पेमेंट करते हैं ना, कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो अगर कोई चाहे कि अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दे तो कुछ व्यवस्था रखी है आपने? ना अपने पास कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बहुत आसान है, अगर आप एक मशीन रख लें और उनके पास कार्ड हो उस कार्ड से पेमेंट कर दे, पिन नंबर वो डाल देंगे। अपने को कार्ड का पता ही नहीं है इसका। अच्छा, अब हम अजमेर पहुंच चुके हैं। GST के बारे में क्या सोचता है अजमेर, चलिए जानते हैं। सर आप बताइए, GST से कितनी उम्मीदें हैं? फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 1 जुलाई से GST लागू हो जाएगा, तो कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं और किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं आपके अपने कारोबार में? GST में कम से कम 1 करोड़ की रिपेयर होनी चाहिए, 1 करोड़ तक GST लागू होना चाहिए, 1 करोड़ तक GST लागू नहीं होना चाहिए, उसके बाद भले वो टैक्स जो भी कर सकते हो। GST लागू करने की जो तैयारी सरकार कर चुकी है, आप किस तरीके से, आप यहाँ पे किस कौन सा आप किस तरह का कारोबार करते हैं? मैं भी टेक्सटाइल का बिजनेस करता हूँ, लेडीज ड्रेस मटेरियल का। मैं चाहता हूँ कि GST लागू होना चाहिए, पर नोटबंदी डिमोनिटाइजेशन की तरह इसमें नहीं होना चाहिए, कि जैसे उसके नॉर्म्स मालूम नहीं थे, सरकार ने कदम उठाया पर लोगों ने उसका और भी आगे तोड़ निकाल दिया। तो पहले इसके लिए पूरा प्रिपेयर किया जाए, उसके बाद ही इसको फॉलोअप किया जाए, नॉर्म्स लोगों को पता हो उसके बाद ही, कि ऐसे नहीं कि जैसे डिमोनिटाइजेशन में आज नोट बदले जा रहे हैं कल बंद हो रहे हैं फिर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू एक ही नॉर्म्स होना चाहिए जो टिल एंड तक रहना चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे कि GST आने से आपकी जिंदगी पर कैसे असर पड़ेगा, सामानों के दाम कैसे कम होंगे और कैसे कम होगा आपके घर का बजट। हम अपने GST यात्रा के दूसरे दिन के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम उदयपुर से करीब 200 किलोमीटर पहले हैं। आज शाम तक हम उदयपुर पहुंचेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर GST से और आगामी बजट से उदयपुर के लोगों की क्या उम्मीदें हैं। GST यात्रा के दूसरे दिन के सफर में अब हम उदयपुर के करीब हैं। रात के करीब 9:30 का वक्त हुआ है और आप देखिए हम जिस ट्रक में सफ़र कर रहे हैं, हमें जानने की कोशिश करेंगे कि रात के वक्त ट्रैवल करते वक्त करते समय किस तरह की चुनौतियां आती हैं और कैसे उनसे निपटा जा सकता है। GST आने के बाद कैसे सफ़र को और आसान बनाना संभव हो पाएगा। विष्णु आप कहाँ जा रहे हैं? सर हम और भी गुजरात जा रहे हैं। गुजरात जा रहे हैं? हाँ सर। आपके ट्रक में जो आप जो टाइल्स बनाने वाले जो आप वो ले पाउडर लेकर जा रहे हैं, सो उस पाउडर की क्या कीमत है अभी, कितना इसमें कितना माल आपने भरा है, पर टन के हिसाब से उसका क्या रेट होगा पर टन के हिसाब से? सर 900 रुपये टन से भी चलती है और 1200 रुपये टन से चलती है। अच्छा अच्छा माल होता है वो 1200-1300 रुपये टन होता है और जो
थोड़ा लो क्वालिटी का माल होता है वो 900 रुपए टन होता है। सो दो क्वालिटी के माल होते हैं, एक 1200 रुपए पर टन और एक 900 रुपए पर टन। अच्छा, आपको कितना किराया इसका, जिसने कंसाइनमेंट लिया है मतलब जिसको माल आप पहुंचाने जा रहे हैं तो उसका कितना किराया आपको देना होगा? इसका सर 850 रुपये टन से हमको भाड़ा मिलता है। भाड़ा मिलता है, हाँ। तो उसका तकरीबन हम ये मान कर चलें कि 24-25 हज़ार रुपये के आसपास आपको मिलेगा। हाँ जी सर। अच्छा, तो 24-25 हज़ार उधर से फिर आप खाली आएंगे, उधर से भी कोई सब माल लेकर आएंगे? उधर से सर वापस टाइलें लोड करके आते हैं सर। अच्छा, मतलब जिस टाइल्स बनाने के लिए जो यहाँ से आप पाउडर लेकर जाते हैं उधर से बना बना टाइल्स वापिस आएगा? हाँ जी सर। अच्छा, उस उधर से आने का किराया क्या होगा? उधर से आने का 1000 रुपये टन के देते हैं सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन 30 हज़ार रुपये के आसपास होगा? हाँ जी सर। जो NHAI के टोल हैं उनके टोल लगते रहेंगे GST आने के बाद भी, लेकिन अगर इस सिस्टम को सुधार दिया जाए और जैसे RFID का जो चिप है वो लगा दिया जाए, उन टोल नाके पे ट्रक्स को रुकने की ज़रूरत ना पड़े, ये हैसल फ्री हो जाए, और जो चुंगी के लिए ट्रक्स को बॉर्डर पे काफ़ी घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, वो फॉर्म भरना पड़ता है, वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और इस समय में अगर कटौती हो जाएगी तो जो 24 घंटे 18 घंटे से 24 घंटे की जो जर्नी है वो घटकर आम तौर पे 10 घंटे 11 घंटे की हो जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ? कितने घंटे की जर्नी हो जाएगी? हाँ सर, उसमें 5-6 घंटे का टाइम का फर्क पड़ जाएगा सर। फर्क पड़ जाएगा। हाँ, तो ये तकरीबन आप समझिए 5 घंटे से 6 घंटे के टाइम का फर्क पड़ जाएगा, मतलब लगभग आधा दिन। आधा दिन का मतलब ये हुआ कि विष्णु को इस पूरे जर्नी में जो 18 घंटे या 24 घंटे का वक्त लग रहा है इसमें 6 घंटे की बचत होगी, लगभग 12 घंटे में आधा दिन की बचत होगी, 6 घंटे की बचत होगी, और ये तकरीबन 200-300 रुपए की बचत पर डे की होगी। अगर ये 200-300 रुपए पर टन के हिसाब से इस सामान पे अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो जो 900 रुपए पर टन का जो पाउडर है वो कंज्यूमर के हाथों में ये तकरीबन 700 रुपए या 650 रुपए पर टन के हिसाब से पहुंचेगी। रात काफी हो चुकी है, हमारी GST यात्रा अब उदयपुर पहुंच चुकी है।